पर बात करने के लिए हमारे साथ डीजी मौसम विभाग मृत्युंजय महापात्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लैंडफॉल कब एक्सपेक्टेड है? जैसे हमने प्रेडिक्ट किए थे वही प्रेडिक्शन हमारा जारी है कि ये जो वेरी सीवर साइक्लोन स्टॉर्म विपर्जय धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट तरफ गति करते हुए सौराष्ट्र कच्छ और पाकिस्तान कोस्ट को कराची और मांडवी के बीच जखाओ के आसपास अतिक्रम करेगा, मतलब हिट करेगा। आज शाम के 6 बजे के बाद लैंडफॉल प्रोसेस शुरू होगा और मिड नाइट तक इसका एंटायर सेंटर लैंड पे हो जाएगा। कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट ज्यादा होने वाला है और कौन सी स्टेट्स हैं जिन पे इसका इफेक्ट? जैसे ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऊपर अंदर जा रहा है, इसलिए कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो कि राइट साइड ऑफ ट्रैक में रहता है मोस्ट पार्ट्स, इसमें सबसे ज्यादा डेंजर है। सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ होगा, सबसे ज्यादा विंड यहाँ देखने को मिलेगा, 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा, गस्टनेस 140 हो सकता है। और इसके साथ साथ जो टाइडल वेव आता है साइक्लोन के साथ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो लोलिंग एरिया है इसमें ज्यादा होने का संभावना है। इसके साथ साथ जो गल्फ ऑफ कच्छ का जुड़े हुए जितने डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मोरबी है, जामनगर है और ये देवभूमि द्वारिका है, पोरबंदर है, ये सभी जिले में भी विंड स्पीड, राजकोट है, ये सभी जिले में विंड स्पीड आपका 90 से 120 किलोमीटर तक हो सकता है। इसलिए यहाँ भी आप लार्ज स्केल डैमेज देख सकते हैं। और रेनफॉल की बात करें, ये सभी डिस्ट्रिक्ट के अलावा जहाँ की हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है, आपका जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है सौराष्ट्र का और नॉर्थ गुजरात का, वहाँ 15 तारीख को आप हैवी टू एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल होगा। 16 तारीख को नॉर्थ गुजरात रीजन स्पेशली वहाँ आपका हैवी टू एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल हो सकता है 16 तारीख को। और इसके साथ साथ जो साउथ राजस्थान एरिया है वहाँ भी 16 तारीख को हैवी टू एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल हो सकता है। 17 तारीख को भी साउथ ईस्ट राजस्थान में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकता है। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज के दिन सौराष्ट्र कच्छ के लिए बहुत डेंजर सिचुएशन है, क्योंकि वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म आ रहा है और धीरे धीरे मिडनाइट के बाद ये वीक होगा और 16 तारीख सुबह के बाद इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। विंड स्पीड कितनी एक्सपेक्टेड है? जब लैंडफॉल होगा इसका विंड स्पीड 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा और कभी कभी गस्टिनेस में 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। लैंडफॉल अभी स्टार्ट हो जाएगा? लैंडफॉल शाम को स्टार्ट होगा, 6 बजे के बाद हम सोच रहे हैं कि लैंडफॉल प्रोसेस स्टार्ट होगा। सेंटर जाते जाते मिडनाइट तक इसका दोनों जो फॉरवर्ड आई वॉल होता है, फिर बैकवर्ड आई वॉल होता है, मैं रियर साइड आई वॉल होता है, कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा मिडनाइट तक। और क्या दिल्ली भी इसमें कुछ इफेक्ट होगा, दिल्ली का वेदर? इसमें कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट दिल्ली के ऊपर नहीं है, मगर जैसे साइक्लोन आ रहे हैं तो मॉइस्चर अरेबियन सी से आ रहे हैं यहाँ, सो क्लाउड ने सीरस क्लाउड से हाई क्लाउड डेवलप हो रहा है, मगर इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो है गुजरात, इसके बाद होता है राजस्थान, साउथ राजस्थान में। जैसे मैं बोल रहा था कि 16 तारीख और 17 तारीख को हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है और 16 तारीख के सुबह साउथ राजस्थान के पास विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है। मगर इसमें ज्यादा स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता है, मगर स्क्वाली वेदर होता है, इसमें कोई कहाँ ट्री ब्रांच गिर सकता है कि नहीं, तो छोटा मोटा जो ट्री होते हैं वो भी अपरूटिंग हो सकता है। सर, साइक्लोन का जो हाइट होता है वो कहाँ तक जाता है? यूजली ये साइक्लोन का इंटेंसिटी डिपेंड करता है, वो हमारा रीजन में जो साइक्लोन डेवलप होता है ये आपका हाइट जो क्लाउड का हाइट होता है ये कभी कभी 15 से 16 किलोमीटर तक हो सकता है और जो इसका साइज होता है ना ये 100 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक हो सकता है और जो करंट साइक्लोन है इसका साइज लगभग 700 किलोमीटर है। विजय प्रमोद राय के साथ सुनीता आर्या, टाइम्स नाउ, नवभारत।